हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्री प्लस मेंस के लिए कौन सी बुक परचेस करना चाहिए, उसी के संबंध में मैं चर्चा करूंगा। एक से अधिक बुक भी बताऊंगा, लेकिन आपको अधिक बुक नहीं खरीदना है, बल्कि एक ही बुक खरीद लीजिएगा। एक ही बुक को चार बार पढ़िएगा वो अच्छा होगा, बल्कि चार बुक मत खरीदिएगा कि सबको पढ़ें। उसमें कन्फ्यूजन भी होता है बहुत ज़्यादा और आप पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कुछ बुकों के नाम बताऊंगा, नोट करते चलिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमपी की बुक। एमपी की बुक के लिए मैं दो तीन बुकों के नाम बता देता हूँ, जिसमें से मुकेश महेश्वरी की बहुत अच्छी बुक है जो प्री प्लस मेंस के लिए कवर करेगी। दोस्तों, इस पर मत जाइएगा कि गलतियाँ बहुत रहती हैं बुकों में। हर बुक में गलतियाँ मिलती हैं। 300, 400 या 500 तक के पेजों की बुक होती है, तो 4-10 गलतियाँ बिल्कुल होती हैं दोस्तों। वैसे अधिकतर मैंने देखा है कि एमपी की बुकों में ही अधिकतर गलतियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप चाहें तो एमपी की दो बुक ले लीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपको लेना पड़ जाए दो बुक, क्योंकि देखना पड़ता है कि कौन सा डाटा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि आप बिगनर्स हैं, आपको तो ये समझ नहीं रहता कि कौन सही है क्या गलत है। आप तो सब सही समझते हैं और पढ़ते चलते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे वो डाटा गलत था। इसलिए आप चाहें तो दो बुक भी ले लीजिए। चलिए, मैंने बताया मुकेश महेश्वरी। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी अच्छी बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसे भी ले सकते हैं। प्री के लिए एक बुक और है एमपी के लिए, उपकार की बुक आती है। दोस्तों, ये मैंने तीन बुकों के नाम बताए एमपी संबंधित। इसके बाद इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में बताता हूँ। इसके बाद प्राचीन इतिहास में आरएस शर्मा की अच्छी बुक है, खरीद सकते हैं। इसके बाद प्राचीन इतिहास में ही एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है। दोस्तों, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, ये भी अच्छी है, कोई एक परचेस कर लीजिएगा। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्र या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक, कोई एक। आधुनिक इतिहास में विपिन चंद्र की या फिर स्पेक्ट्रम की, कोई एक। भारत और विश्व के भूगोल में महेश वर्णमाल की बुक अच्छी है, आप परचेस कर लीजिएगा। और अधिक गहराई पर पढ़ना हो तो फिर माजिद हुसैन, एक महेश वर्णमाल की हो गई, दूसरी बुक मैंने बताया माजिद हुसैन की। इसके बाद संविधान में बेस्ट बुक एम लक्ष्मीकांत की है, एम लक्ष्मीकांत की ले लीजिएगा, सारा संविधान कवर हो जाएगा। इसके बाद विज्ञान साइंस का पोर्शन, दोस्तों साइंस के लिए लुसेंट जी की बुक आती है, ये वाली नहीं, एक लुसेंट साइंस आती है वो वाली, तो लुसेंट साइंस करके आती है, तो लुसेंट साइंस की ले लीजिएगा। दृष्टि की भी आती है साइंस के लिए और टीएमएच की भी आती है। मैंने तीन बुकों के नाम बताया, लुसेंट, दृष्टि और टीएमएच, ओके, कोई एक ले लीजिएगा। खेल कूद में निर्माण आईएएस या महावीर। करंट अफेयर्स में स्पीडी ईयरली आती है, उसको ले लीजिएगा। करंट के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर के लिए आप नॉर्मल न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हैं, कोई भी पढ़ते होंगे आप, जनसत्ता पढ़ते होंगे, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, तो इसमें से आपको करंट छांटना है। सबके पढ़ने का रवैया अलग अलग होता है, लेकिन आपके पढ़ने का रवैया तो यही होना चाहिए कि हमको करंट के मुताबिक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा, ओके। करंट के लिए एक और न्यूज़पेपर दोस्तों, जिसमें अर्थशास्त्र कवर हो जाता है, अर्थशास्त्र का करंट कवर हो जाता है, वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स का है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ओके। अर्थशास्त्र की बुक, अभी मैंने जो अर्थशास्त्र बताया वो करंट के लिए बताया था, अब अर्थशास्त्र की जो बुक है वो रमेश सिंह भट्ट। इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निर्माण आईएएस की हो गई, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में निर्माण आईएएस की ले लीजिएगा। अब बताता हूँ आयोग में भी निर्माण आईएएस की या महावीर की या मेघा सीरीज की या दृष्टि की, कितनी सारी हो गई, 3-4 ठो बता दिया। निर्माण आईएएस की,
या महावीर की या मेघा सीरीज की या दृष्टि की। अब हिंदी के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि मेंस में हिंदी भी आता है। प्रश्न पत्र पाँचवें में हिंदी ही रहता है, उसमें चंचल जैन की, चंचल जैन। इसके बाद छठवें पर निबंध भी होता है मेंस में, परीक्षा मंथन निबंध के लिए, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन, कंप्यूटर के लिए भी परीक्षा मंथन। इसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण के लिए भी परीक्षा मंथन। इसके बाद है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में क्रॉनिकल्स की बुक्स आती है, उसको आप ले लीजिएगा। इसके बाद लोक प्रशासन, लोक प्रशासन के लिए भी क्रॉनिकल्स की बुक्स आती है। इसके बाद मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में एसपी एंड अलका गुप्ता, दोस्तों एसपी एंड अलका गुप्ता की बुक्स आती है, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद समाज शास्त्र, समाज शास्त्र में एक जेपी सिंह की आती है और दूसरी बुक एसएस पांडे की आती है, इनमें से कोई एक ले लीजिएगा। दोस्तों तो ये रही बुक्स की बात आज। इसके अलावा यदि अन्य बुक्स भी आप देखते हैं और उसका रिव्यू अच्छा लगता है आपको, तो बिल्कुल आप उसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि साइंस और आर्ट के पोर्शन में किसी प्रकार की हमें समस्या जा सकती है पढ़ने में, चूंकि ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि एनसीईआरटी आती है वो छठवीं से लेकर के बारहवीं तक की एनसीईआरटी का ज्ञान ज़रूर ले लीजिएगा, आपके लिए साइंस और आर्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों बुक्स से पढ़ें कि नोट्स से पढ़ें, इसके विषय में वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करिए और वह वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों तो फिर ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि कोई आपके कमेंट हो तो लिखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।